गुड इवनिंग एवरीवन। बलवंत, गरिमा, सचिन, संध्या, ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आस्क थ्रू व्हाट्सएप। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप एंड देयर आई विल कीप चेकिंग। So is there any question? Anybody wants to put something on WhatsApp, please, before starting the class? Before starting the actual class, we can go through some quick questions. If anybody has any kind of question, please, at least one or two, just write on WhatsApp whether I am audible and when I share my screen, whether the screen is visible. Okay, so please students respond on WhatsApp. Students, please respond on WhatsApp. Students, please respond on WhatsApp. Anybody, can you respond on WhatsApp whether I am audible? Can anybody respond on WhatsApp whether I am audible? Okay, so somebody has responded. Thank you so much. So now I am sharing my screen. Well, I will once again cover up the classification of platyhelminth. So whatever I had discussed that day, I will brush up and then I will go to the leftover portion which I couldn't cover that day. So platyhelminthus, phylum platyhelminthus is divided into three classes: Turbellaria, Trematoda and Cystoda. Platyhelminth phylum में तीन classes हैं: Turbellaria, Trematoda और Cystoda. इन तीनों के अंदर काफ़ी सारे रिमार्केबल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। तीनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि इनकी एवोल्यूशन किस आधार पे हुई थी। तो हम लोग चलें देखें कि इनमें क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं। जो टर्बिलेरियंस हैं वो फ्री लिविंग होते हैं या कमेंसल होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इनका बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, डिवाइडेड नहीं होता, कंप्लीट बॉडी होती है। बॉडी में सीलिएटेड या सिनसीटियल एपिडर्मिस होती है। सीलिएटेड एपिडर्मिस आप समझ रहे हो, सीलिया प्रेजेंट होगा, या सिनसाइटियल एपिडर्मिस का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और वो डिवाइडेड नहीं होते। एपिडर्मिस में ग्लैंड्स पाई जाती हैं और
मस्कुलर एडहेसिव ऑर्गन्स भी होते हैं, तो इससे ये अपने आप को कहीं पे होल्ड करा सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है क्योंकि माउथ, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन तो प्रेजेंट है लेकिन एनस प्रेजेंट नहीं है। हम लोगों ने उस दिन भी देखा था कि ए सीला में इंटेस्टाइन नहीं है, और ये एक आधार है कि इंटेस्टाइन कैसा है, इनका आगे का क्लासिफिकेशन हुआ, अभी मैं आगे बताऊंगी। एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया है और फ्लेम बल्ब्स प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट के लिए टैंगो रिसेप्टर प्रेजेंट है, और केमिकल अगर इनके आसपास है तो ये उसकी भी जानकारी ले सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीमो रिसेप्टर। दूसरा जो क्लास है वो है ट्रीमेटोडा। इसमें एक्टो और एंडो पैरासाइट्स होती हैं। इनका जो शेप है वो लीफ के आकार का होता है। बॉडी वॉल में सीलिया एपिडर्मिस, बॉडी वॉल जो है उसमें सीलिया एब्सेंट होती है, एपिडर्मिस भी एब्सेंट होता है। अगर एपिडर्मिस एब्सेंट है, सीलिया एब्सेंट है, तो फिर कोई तो कवरिंग होनी चाहिए, तो ये क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होते हैं। इनकी भी बॉडी अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड या अनसेगमेंटेड है। तो अब टर्बुलेरिया भी अनसेगमेंटेड है, ट्रीमेटोडा भी अनसेगमेंटेड है, दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देख के? तो यहाँ पे एपिडर्मिस देखेंगे, टर्बुलेरिया में एपिडर्मिस प्रेजेंट है और ट्रीमेटोडा में एपिडर्मिस नहीं है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टर्बुलेरियंस और ट्रीमेटोड्स के अंदर। सकर यहाँ प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें भी माउथ, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन है, इसलिए हम बोलते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ प्रेजेंट है जिससे कि एक्सक्रीशन होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि इनके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाएंगी। आप एक एक्सेप्शन देखोगे, डाइजीनिया। ओवरी सिंगल होगा लेकिन टेस्टिस दो से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तीसरा क्लास है सिस्टोडा, जिसमें कि एंडोपैरासाइट होते हैं। ये वर्टिब्रेट के इंटेस्टाइन में रहते हैं। कॉमनली इनको टेप वर्म्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्लैट होती हैं, रिबन की तरह होती है, इसलिए इनको टेप वर्म बोला जाता है। एपिडर्मिस और सीलिया प्रेजेंट तो है लेकिन क्यूटिकल के द्वारा भी कवर्ड होती है। बॉडी इनका सेगमेंटेड होता है। अब सेगमेंटेड बॉडी है तो सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिला या प्रोग्लॉटिड्स बोलेंगे। हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होंगी। हुक्स और सकर्स जो है वो एंकरेज में हेल्प करती है। सिस्टोडेरिया में ये हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट नहीं है। माउथ एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें पूरी तरह से एब्सेंट है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरासिटिक एडाप्टेशन है। इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं कि इनके अंदर, सिस्टोड्स के अंदर क्या क्या पैरासिटिक एडाप्टेशन है। तो एक तो इनका एलिमेंट्री केनाल बिल्कुल एब्सेंट है क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड लेते हैं सिंपली एब्जॉर्प्शन के द्वारा, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाई जाती है। ये एक पैरासिटिक एडाप्टेशन है। आगे हम और भी देखेंगे कि किस तरह से ये एनएरोबिक कंडीशन में रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिया है आपके लिए ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हों। देन प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ भी प्रेजेंट है, उसमें फ्लेम बल्ब्स या फ्लेम सेल्स जो नाम दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लैटी हेलमिंथ का, तो ये भी यहाँ पाई जाती है। और हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंस है जो कि बाकी दोनों में नहीं है, कि जब बॉडी सेगमेंटेड है तो इनका हर सेगमेंट एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। हर सेगमेंट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, लेकिन स्ट्रोबिलाइजेशन है तो शुरू के सेगमेंट में नहीं होगा और बीच के सेगमेंट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी हद तक अच्छे से बना होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में क्लासिफिकेशन। तो टर्बुलेरिया
इसको ए लिटिल स्ट्रिंग बोलते हैं, और इसमें जो पहला ऑर्डर है ए सीला। अब यहाँ पे आप देखो, वेंट्रल माउथ, नो मस्क्यूलर फेरिंग्स एंड नो इंटेस्टाइन। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ए सीला का कैरेक्टर हम इसी को मानेंगे कि माउथ वेंट्रल है लेकिन फेरिंग्स और इंटेस्टाइन एब्सेंट है। ए सीला का यही मतलब है कि देर इज नो इंटेस्टाइन। इसमें एग्जाम्पल है कॉन्वोल्यूटा, एक्टोकोटाइल, एफ्रोंटा। सेकेंड ऑर्डर है रेबडोसीला। रेबडोसीला में अगर आप देखो तो सेकेंड पॉइंट पे फेरिंग्स सिंपल है लेकिन जो इनका इंटेस्टाइन है वो सैक की तरह है, बोरे की तरह है, बैग की तरह है, और कोई डाइवर्टिकुला नहीं पाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में डाइवर्टिकुला पाया गया है या इंटेस्टाइन डिवाइडेड है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन सिंगल है और सैक लाइक है। इसका एग्जाम्पल है कैटेन्यूला या माइक्रोस्टोमम। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इसको ज़रूर एक बार दो बार रीड करिएगा तो फिर आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। नेक्स्ट है एलोसीला। एलोसीला में फेरिंग्स जो है वो सिंपल है, बल्बस या प्लीकेट, बल्ब लाइक या प्लीका लाइक, और इंटेस्टाइन स्ट्रेट है या ब्रांच्ड है। स्ट्रेट भी हो सकता है या ब्रांच्ड भी हो सकता है, लेकिन ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे आपको दिखेंगे उभार और अंड्यूलेटिंग सर्फेसेस, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटेस्टाइन डिवाइडेड है दो हाफ में और सिमेट्रिकली डिवाइडेड है, तो इस तरह का एलोसीला में नहीं है। प्लीकेट या बल्ब लाइक इंटेस्टाइन है, स्ट्रेट होता है, ब्रांचिंग जरूर है, डाइवर्टिकुला जो है वो शॉर्ट है। नेक्स्ट है ट्राइक्लेडिडा। इसका जो नेम है ट्राइक्लेडिडा, यहीं से फिर हम देखते हैं कि जो फेरिंग्स है वो प्लीकेट है, यूजुअली डायरेक्टेड बैकवर्ड। फेरिंग्स जो है वो प्लीकेट है और बैकवर्डली डायरेक्टेड है, और जो इनका इंटेस्टाइन है उसमें एक्चुअली तीन ब्रांचेस पाई जाती हैं। इंटेस्टाइन में तीन ब्रांच है और इसी वजह से इसका नाम है ट्राइक्लेडिडा। इसका एग्जाम्पल है ड्यूजेसिया या जियो प्लाना। नेक्स्ट है पॉलीक्लेडिडा। पॉलीक्लेडिडा इसमें प्लीकेट फेरिंग्स है, ठीक है, प्लीकेट फेरिंग्स है, और जो इसकी इंटेस्टाइन है वो हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन इज हाईली ब्रांच्ड। इसका एग्जाम्पल है नोटोप्लाना या प्लेनोसेरा। नेक्स्ट जो क्लास है ट्रीमेटोडा, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ट्रीमेटोड का मतलब है हैविंग पोर, हैविंग पोर, इसकी जो मीनिंग है दैट इज हैविंग पोर। अब इसमें तीन ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर मोनोजीनिया। मोनोजीनिया, मोनो मीन्स वन, जीनिया, यहाँ पे जो ये वर्ड लाया गया जीनिया, दिस इज फॉर होस्ट। तो कितने नंबर ऑफ होस्ट इसके हैं, इसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो कितने होस्ट के द्वारा, कितने होस्ट के अंदर, तो केवल एक ही होस्ट है इसका, ओनली वन होस्ट। इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, एंड दिस बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ओरल सकर इसका बहुत ही वीक है या एब्सेंट है। पेयर्ड एडहेसिव स्ट्रक्चर एंटीरियर एंड पे है। हर जगह आप पेयर्ड एडहेसिव स्ट्रक्चर एंटीरियर एंड पे नहीं देखोगे, यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि पेयर्ड एडहेसिव स्ट्रक्चर है एंटीरियर एंड पे, और पोस्टीरियर एंड पे एडहेसिव डिस्क पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल डिप्लोजोन, पॉलिस्टोमा, गायरोडेक्टाइलस। नेक्स्ट है डाइजीनिया। डाइजीनिया, डाई मतलब दो,
जीनिया फिर से होस्ट, तो यहाँ पे दो होस्ट मतलब एक प्राइमरी होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट इसके लाइफ साइकिल में आता है। एक जो है मेन होस्ट होगा, दूसरा उसका इंटरमीडिएट होस्ट होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है जो मोनोजीनिया से इसको सेपरेट करता है। सकर्स इसमें पाई जाती हैं लेकिन सकर्स में हुक नहीं होती हैं। आप जब सिस्टोड में देखोगे जो तीसरा क्लास है सिस्टोडा, तो वहाँ पे जो सकर्स होंगी उसमें हुक्स पाई जा सकती हैं, नहीं भी पाई जा सकती हैं। ओरल सकर माउथ के चारों तरफ होता है और वेंट्रल सकर जो है उसको एसिटाबिलम कहते हैं। आप इस नाम से अभी वर्टिब्रेट में भी एक चीज़ पढ़ोगे और इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्राई टू रिमेम्बर कि एसिटाबुला जो है वो वेंट्रल सकर होता है प्लैटी हेलमिंथ में, डाइजीनिया में इस तरह से पाया गया है, और भी जगह पाया जाएगा, तो ये वेंट्रल सकर है, इसको एसिटाबुलम बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम डाइजीनिया पड़ा है वो ड्यू टू इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल। और बहुत सारी लार्वल स्टेजेस इसमें हैं। पीडोजेनेसिस या पॉली एम्ब्रियोनी एक फेनोमेनन है कि लार्वा कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। लार्वा के पास क्या है, जर्म सेल्स हैं, और इन जर्म सेल्स से जो लार्वा है वो रिप्रोड्यूस कर लेता है। एग्जाम्पल है फैसियोला या सिस्टोसोमा। अभी पीडोजेनेसिस या पॉली एम्ब्रियोनी और भी क्लियर होगी, अभी मैं फैसियोला का एग्जाम्पल लेके उसकी लाइफ साइकिल आपको बताऊंगी, तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी और फिर इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अभी मैं समझ रही हूँ कि डायरेक्ट जो क्लासिफिकेशन चल रहा है तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि ये सारी चीज़ों को हम कैसे याद रखें, लेकिन मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जिसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। सो ट्राई टू रिमेम्बर दोज पॉइंट्स, और जब भी क्लास करने आप बैठो तो साइड में आप एक पेन और पेपर ज़रूर रखो, और जिस पॉइंट को मैं ज़्यादा स्पेसिफाई कर रही हूँ उसके लिए आप उस पर ज़रूर नोट कर लिया करो कि ये पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो ये जो दो ऑर्डर है मोनोजीनिया और डाइजीनिया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, इसमें ज़्यादा स्पीशीज और जीनस पाई जाती हैं। एक और ऑर्डर है एस्पिडोकोटाइलिया, एस्पिडोकोटाइलिया या इसको एस्पिडोगैस्ट्रिया या एस्पिडोबोथ्रिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ओरल सकर नहीं है, लेकिन जो वेंट्रल सकर है वो बहुत बड़ी है और सब डिवाइडेड हो सकती है इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सकर्स, बहुत सारे सकर्स में डिवाइड हो सकती है, लेकिन हुक प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका कि हुक नहीं है। हुक जो है वो आप नेक्स्ट जो क्लास है इसकी उसमें देखोगे। केवल एक टेस्टिस है मेल सिस्टम में, ये एंडोपैरासाइट्स होती हैं फिश के गट में और रेप्टाइल के अंदर। इसका एग्जाम्पल है एपिडोगैस्टर, कोटाइलैप्सिस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा पढ़ते पढ़ते तो कभी आप गूगल में सर्च करोगे एंड यू विल गेट सेवरल ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स, और उनकी लाइफ के बारे में आप उससे फर्दर जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट जो क्लास है सिस्टोडा, सिस्टोडा में बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग को इफ़ेक्ट करती हैं, और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे लिए बहुत इकोनॉमिक लॉस है, डिजीज़ हो सकती है इससे। इसमें जो सब क्लास है, एक है सिस्टोडेरिया, दूसरा सब क्लास है यू सिस्टोडा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर सब क्लास में, इस तरह से दो सब क्लास में इसको सिस्टोडा को बांटा गया है, तो ज़रूर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होगा, तभी उस पॉइंट के आधार पे बांटा गया है। तो इसमें आप देख रहे हो सिस्टोडेरिया में कि जो बॉडी है वो अनडिवाइडेड है, तो मेन कैरेक्टर तो सिस्टोडा का एक आया था कि बॉडी जो है वो स्यूडो सेगमेंटेड है, लेकिन इसमें जो सिस्टोडेरिया है उसमें फिर बॉडी अनडिवाइडेड है और स्कॉलेक्स एब्सेंट है। लार्वी में 10 हुक प्रेजेंट होती हैं, और यू सिस्टोडा इसमें बॉडी इलोंगेटेड फीता की तरह का होता है, फीताक्रमी जो बोलते हैं हम लोग इसको, तो रिबन लाइक बॉडी इसमें डिवाइडेड है, लेकिन किस तरह से, स्यूडो सेगमेंटेड, स्यूडो मेटामेरिज्म, इन तरह के वर्ड्स आप इसके लिए यूज कर सकते हो। स्कॉलेक्स यहाँ प्रेजेंट है, स्कॉलेक्स क्या है, अब प्रेजेंट है तो थोड़ा बताना पड़ेगा, स्कॉलेक्स क्या है, हेड का जो एस्पेक्ट है, हेड एंटीरियर एंड पे एक हेड है, वो डिस्टिंक्ट है,
और उसको यहाँ स्कॉलेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो स्कॉलेक्स है उसमें 6 हुक हैं, तो ये सारे आप देख सकते हो डिफरेंस कि अगर हम सिस्टोडेरिया में देखें तो लार्वा में 10 हुक है, जबकि यहाँ एडल्ट के स्कॉलेक्स में 6 हुक है। तो इस तरह से आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब सिस्टोडेरिया सब क्लासेस में हम फर्दर देखें कि क्या ऑर्डर्स हैं और यू सिस्टोडा में देखें कि क्या ऑर्डर्स हैं। तो सिस्टोडेरिया में जो ऑर्डर है वो है एम्फीलिनिया। पहला ऑर्डर है एम्फीलिनिया, ये फिश के सिलोम में। अब तक आप सिलोम अच्छी तरह जानते होंगे कि सिलोम जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी है और वर्टिब्रेट में प्रेजेंट है, तो फिश के सिलोम में एंडोपैरासिटिक है ये। इसके पास एक प्रोट्रूसिबल प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस क्या होता है? जो ओरल एंड है माउथ, और माउथ के अंदर जो फेरिंग्स है, तो वो पूरा बाहर की तरफ ये फेंकते हैं जब इनको खाना लेना होता है, फूड लेना होता है, भोजन लेना होता है, तो ये प्रोबोसिस जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है। और इसमें फ्रॉन्टल ग्लैंड्स भी होते हैं, तो ये ग्लैंड जो है वो कुछ सिक्रीशंस करती हैं जिससे कि जो प्रोबोसिस है वो मॉइस्ट रखा जाता है एंड इट हेल्प्स इन फीडिंग। यूट्रस जो है वो यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यूट्रस इज कॉइल्ड। एग्जाम्पल है एम्फीलाइना। दूसरा ऑर्डर है गायरोकोटिलीडा, गायरोकोटाइलीडा। ये भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, फिश के इंटेस्टाइन में, तो एंडोपैरासाइट है। इसका प्रोबोसिस रिवर्सिबल है, ठीक है, प्रोबोसिस इज रिवर्सिबल, ये इस तरह से रिवर्ट करके बाहर आता है। और पोस्टीरियर जब हम एंड देखेंगे तो वहां पे एडहेसिव स्ट्रक्चर है, ये एडहेसिव स्ट्रक्चर से अपने आप को होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद प्रोबोसिस को रिवर्स करेंगे ताकि फूड ले सकें, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो ड्राउन हो सकते हैं। यूट्रस छोटा है, एग्जाम्पल है गायरोकोटाइल। अब जो दूसरा सब क्लास है यूसिस्टोडा, यूसिस्टोडा आपके लिए यहाँ पे एक ऑर्डर जो 5th ऑर्डर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से आप पढ़िएगा 5th ऑर्डर। लेकिन हम लोग एक एक करके थोड़ा सा सारे ऑर्डर को देख लें। तो ऑर्डर 1 इज टेट्राफाइलीडिया, टेट्राफाइलीडिया। अब ये नाम क्यों पड़ा टेट्रा? टेट्रा का मतलब क्या है? 4। टेट्रा मीन्स 4। फाइलीडिया, फाइलीडिया का यहाँ मतलब है बॉथ्रिया। बॉथ्रिया क्या है? एक तरह का सकर है, लेकिन ये सकर जो है ये थोड़ा प्रिमिटिव सकर है, ये सेसाइल सकर है, ये प्रोट्रूसिबल नहीं होगा, ये सेसाइल है, इसलिए इसको बॉथ्रिया बोलते हैं, इसको एक टर्म दिया गया बॉथ्रिया। तो इसमें स्कॉलेक्स या हेड तो प्रेजेंट है, बॉथ्रिया 4 है और इसके अंदर हुक्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो सकर है वो बॉथ्रिया के फॉर्म में है एंड इट इज 4 in number, 4 है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए टेट्राफाइलीडिया इसको बोलते हैं। अगर नाम याद रहेगा तो कैरेक्टर याद रहेगा, या कैरेक्टर याद रहेगा तो उसी बेसिस पे आप इसका नाम भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है डाइफाइलीडिया, डाई का मतलब 2, फाइलीडिया अगेन बॉथ्रिया, तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हो गया कि स्कॉलेक्स विथ 2 बॉथ्रिया, 2 ही बॉथ्रिया प्रेजेंट है, और इसमें भी फीताकर्मी ही होंगे, टेपवर्म्स होंगी, लेकिन छोटी होंगी, 20 से ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं होगा, जबकि जो टेपवर्म टीनिया है उसके अंदर कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। अभी मैं उसका डिटेल आपको जब बताऊंगी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि कितने सेगमेंट्स हैं और किस तरह से उनकी लाइफ चलती है। इसका एग्जाम्पल है इकाइनोबॉथ्रियम, इकाइनोबॉथ्रियम। नेक्स्ट है 3rd ऑर्डर है ट्रिपैनोरिंका, ट्रिपैनोरिंका। अब यहाँ पे ये ट्रिपैनोरिंका जो है, अब तक हम लोगों ने देखा कि सब फिश के इंटेस्टाइन में पाई जाती थी, अब ये स्पाइरल वाल्व के अंदर रहती है। इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है फिश के इंटेस्टाइन में जिसको स्पाइरल वाल्व बोलते हैं, और सारी फिशेज में नहीं होता ये, ये कुछ फिशेज में होता है, जैसे कि इलास्मोब्रैंक है, स्कॉलियोडॉन, उसमें होता है।
तो इंटेस्टाइन जो है इस तरह से राउंड 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 घूमा हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पाइरल वाल्व ऑफ फिश। तो बेसिकली ये भी इंटेस्टाइन में ही पाई जा रही है, लेकिन उन फिशेज में जिसमें कि स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होगा। और इसमें जो स्कॉलेक्स है वो चार बॉथ्रिया इसके अंदर है स्कॉलेक्स में, लेकिन अब डिफरेंस कैसे है, जो पहला था टेट्राफाइलिडिया उसमें भी चार बॉथ्रिया था, अब इसमें भी चार बॉथ्रिया है, तो इन दोनों को क्यों सेपरेट किया गया? तो इसमें जो बॉथ्रिया है उसके अंदर प्रोट्रूसिबल स्पाइनी प्रोबोसाइट्स पाई जाती हैं, तो इस तरह से ये डिफरेंट हो गया। वहां पे क्या था, बॉथ्रिया सेजाइल सकर के रूप में था, कोई हुक प्रेजेंट नहीं थी, और यहाँ पे इसमें स्पाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसको वहां से सेपरेट किया गया है। देन स्यूडोफाइलीडिया, फोर्थ ऑर्डर स्यूडोफाइलीडिया, इसमें जो स्कॉलेक्स है उसमें 2 से 6 शैलो बॉथ्रिया है, मतलब कि अंदर की तरफ छिपी हुई, अंदर की तरफ छिपी हुई बॉथ्रिया प्रेजेंट होती है, और इसका नंबर जो है वो 2 से 6 हो सकता है। तो अलग अलग आप स्पेसिमेन देखोगे उसमें नंबर जो है वो अलग अलग होगा, जैसे कि एक एग्जांपल है डाइफाइलोबॉथ्रियम, तो यहाँ पे 2 है, तो इसी तरह से दूसरे एग्जांपल्स में ये कहीं पे जाके आपको 6 भी मिल सकता है। देन ऑर्डर जो फिफ्थ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरासाइट पाई जाती है टीनिया, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हो सकती है और हमारे अंदर डिजीज कॉज करती है। इसे इस ऑर्डर को टिनोइडिया बोलते हैं, इसे साइक्लोफाइलीडिया भी बोलते हैं, तो दोनों टर्म याद रखिएगा, क्योंकि कभी आपसे पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है कि टिनोइडिया इज ऑल्सो नोन एज, देन इट इज साइक्लोफाइलीडिया। ये स्पेसिफिकली एंडोपैरासाइट है, मतलब इंटरनल पैरासाइट है, और आप देख रहे हो मोस्टली सारे जो है इंटेस्टाइन में ही पाई जाती हैं, लेकिन अब ये किसके इंटेस्टाइन में है, तो बर्ड में या मैमल में। तो हम ह्यूमंस भी मैमल हैं और ये हमारे अंदर है और डिजीज कॉज करती है। इसमें टेपवर्म्स होते हैं, फीता कृमि जिसको बोलते हैं। अब ये जो टेपवर्म्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, कई सारे प्रोग्लॉटिड्स होंगे, बहुत लंबा फीता नुमा इनका बॉडी होता है, और इसकी जो स्कॉलेक्स है उसमें 4 सकर है। अब ये जो सकर है ये बेसिकली ट्रू सकर है, इसको एसिटाबुला भी बोलते हैं, और कुछ स्पीशीज ऐसी है जिसमें कि रोस्टेलम भी पाया जा सकता है, रोस्टेलम जिसमें कि हुक्स प्रेजेंट है। तो 4 सकर एंड रोस्टेलम विथ हुक्स, इसका एग्जाम्पल है टीनिया, इकाइनोकोकस, हाइमनोलेपिस, डाइफाइलीडियम। अब हम लोग थोड़ा सा इसके डिजीज वाले एस्पेक्ट को देखेंगे, तो मैंने बेसिकली 3 एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है। ये जो 3 एग्जाम्पल हैं इसमें पहला है फैसियोला, और दूसरा है टीनिया सोलियम, तीसरा है टीनिया सेजिनाटा। जो MCQs आती हैं नीट में वो ज़्यादातर इन्हीं से एसोसिएटेड हैं, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया है, और इनकी लाइफ साइकिल थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि इसके बहुत सारे लार्वल स्टेजेस हो सकते हैं, या इंटरमीडिएट होस्ट है, या किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करता है, प्राइमरी होस्ट में ये कैसे एंटर करता है, सेकेंडरी होस्ट में कैसे एंटर करता है, इन सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चंस MCQs बनते हैं, इसलिए मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रही हूँ। अब इसमें से पहला फैसिओला, फैसिओला, फैसी मींस स्मॉल बैंडेज, ठीक है, एंड ओला लीवर, ठीक है, हेपैटिका, एक्चुअली फैसिओला का मतलब होता है स्मॉल बैंडेज, और हेपैटिका, हेपैटिका जो है वर्ड, जो स्पीशीज है इसकी वो लीवर से रिलेटेड है, इसलिए जो स्पीशीज है फैसिओला हेपैटिका उसका मतलब है स्मॉल बैंडेज प्लस लीवर। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लास ट्रीमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनिया, यहीं से आप समझ जाइए कि इंटरमीडिएट होस्ट ज़रूर होगा, प्राइमरी होस्ट होगा, और फिर इंटरमीडिएट होस्ट भी होगा। फैमिली फैसिओलाइड,
फैसियोलियोइडिया, जीनस फेसियोला और स्पीशीज हेपेटिका। क्योंकि अब मैं एक की लाइफ साइकिल बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ स्पेसिफाई कर रही हूँ कि फैसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल बता रही हूँ। और भी स्पीशीज हैं जो कि हो सकती हैं और पैरासिटिक होती हैं। अब यहाँ एक एक टर्म है। डायजेनेटिक पहले बता चुकी हूँ मैं, एंडोपैरासाइट है। अब इस डायग्राम में आप देखो तो किस तरह से ये फ्लैट है, ओके, एंड इट हैज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स इन द बॉडी। एंटीरियर पार्ट में क्या है, माउथ। माउथ के सराउंडिंग ओरल या एंटीरियर सकर है। ये जो ओरल या एंटीरियर सकर है, वहां आप देखो एक ट्रायंगुलर उभार है। ये जो ट्रायंगुलर उभार है, इसे ओरल कोन बोलते हैं, ओरल कोन। और उसी ओरल कोन के सेंटर में माउथ प्रेजेंट है और सराउंडेड बाय ओरल या एंटीरियर सकर। अब यहाँ पे ये जो ओरल या एंटीरियर सकर है, ये इसको फीडिंग में भी हेल्प करती है, लेकिन टीनिया में जो सकर है वो कभी भी फीडिंग में हेल्प नहीं करती। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा कि लीवर फ्लूक में ओरल सकर फीडिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन जब हम टीनिया की बात करेंगे तो वहाँ पे जो सकर है वो स्कॉलेक्स में ही प्रेजेंट है, लेकिन वो फीडिंग में हेल्प नहीं करता। तो इसके पास जो सकर है वो एक तो ओरल सकर हो गया। अब दूसरा जो सकर है वो वेंट्रल सकर है, जिसे एसिटाबुलम या पोस्टीरियर सकर बोलते हैं। अब पोस्टीरियर सकर या एसिटाबुलम बोला गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बॉडी में एकदम पोस्टीरियरली प्लेस्ड है, नहीं, ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे ही प्लेस्ड है। लेकिन जब हम दोनों सकर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर है, दोनों की आपसी पोजीशन के आधार पे यहाँ पे लीवर फ्लूक में ये बोला जाता है कि दिस इज ओरल और एंटीरियर एंड दिस इज एसिटाबुलम और वेंट्रल सकर। व्हाट अबाउट अदर ओपनिंग्स? तो अदर ओपनिंग जो है वो है गोनोपोर एंड एन एक्सक्रीटरी पोर। दो और ओपनिंग है, एक है गोनोपोर और ये एक्सक्रीटरी पोर। अब टोटल कितनी ओपनिंग्स हो गई, एक माउथ, एक गोनोपोर, एक पोस्टीरियर सकर और एक एक्सक्रीटरी पोर। सो ऑल दीज आर दी एपर्चर्स, माउथ, गोनोपोर, एक्सक्रीटरी पोर, ओके, माउथ, गोनोपोर एंड एक्सक्रीटरी पोर एंड टू सकर्स आर प्रेजेंट। अब ये फैसियोला जाइजेंटिका है, इसकी साइज आप देखिए बड़ी है, और ये फैसियोला हिपैटिका है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है स्ट्रक्चर में, बट साइज में रिमार्केबल डिफरेंस है, और ये दोनों दो डिफरेंट स्पीशीज हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनका इनकम्प्लीट है, तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस और उसके बाद इंटेस्टाइन। फूड इनका क्या है, अब ये इंटेस्टाइन में रहेंगी, इंटेस्टाइन में रहेंगी तो क्या चीज़ खा सकती हैं, लिम्फ सक करेंगी, बाइल सक करेंगी, या अदर जो डेब्रीज होगा फूड का वो ले सकती हैं। तो ओरल सकर और मस्कुलर फेरिंग्स हेल्प करता है सक्शन में। डाइजेस्टेड जो फूड है वो डिफ्यूज भी हो सकता है बॉडी में बाय टेग्यूमेंट। तो टेग्यूमेंट जो ये बाहर की जो कवरिंग है, इसको टेग्यूमेंट बोलते हैं, और इसके द्वारा सिंपल डिफ्यूजन से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी लिया जाता है, और माउथ या ओरल सकर जो है और मस्कुलर फेरिंग्स वो भी फीड करने में हेल्प करता है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग ही फीडिंग होगी। तो बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं ले सकते ये, तो सक करते हैं लिम्फ या बाइल और उसके साथ जो डेब्रीज हो सकती है फूड की वो ये सक कर सकते हैं।
रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, दोनों ही तरह का कंडीशन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाला रेस्पिरेशन और लैकिंग ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन, दोनों ही रेस्पिरेशन देखा गया है। जबकि अगर आप टीनिया को देखोगे तो वहाँ पे केवल एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एक्सक्रीशन फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम के द्वारा होता है, और प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, बॉडी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वाटर हो गया तो उसको किसी तरह से निकालना, तो एक तरह से बॉडी के पीएच को मेंटेन करना, तो प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम दोनों ही काम करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और ऑस्मोरेगुलेटरी भी होता है। अब ये एक्सक्रीट क्या करती हैं, किस तरह का इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मेनली तो अमोनिया होता है, लेकिन इसके अलावा फैटी एसिड्स भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो फैटी एसिड्स क्या है, लिपिड, तो ये बॉडी से जो ले रहे हैं लिपिड्स भी लेते हैं और फिर उसका थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद कुछ लिपिड मॉलिक्यूल भी ये थ्रो इन कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। डाइजेशन बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, इंटेस्टाइन के अंदर, किसी भी सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता। अब यहाँ थोड़ा सा आप ज़रूर कंपेयर कर लीजिएगा कि इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन आपने कहाँ पे देखा, सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहाँ पे था, तो सिलेंट्रेट्स में था, इंट्रा सेल्यूलर भी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी, और यहाँ क्या है, केवल एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब कि कोई भी फूड पार्टिकल सेल के अंदर नहीं लिया जाता, इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रॉपरली डाइजेस्ट किया जाता है, और कुछ तो ये डाइजेस्टेड फूड लेते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इनके बॉडी पे अगर कोई स्केली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, टेग्यूमेंट, स्पीक्यूल्स या स्केल्स। अब ये सारी चीज़ इसको कैसे हेल्प करती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्यूटिकल है या टेग्यूमेंट है या स्पीक्यूल है और स्केल है, तो ये किस तरह से फेसियोला को हेल्प कर रहा है। ओके, तो ये बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को एक कवरिंग दे रहा है तो प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो कहीं भी ये स्पीक्यूल के सहारे क्या करेंगे कि होल्ड कर लेंगे और उसके बाद फिर मूव कर सकते हैं। स्केल्स भी मूवमेंट में हेल्प करता है, टेग्यूमेंट फ्लेक्सिबल होगा, क्यूटिकल जो है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी रखेगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोटेक्टिव भी हैं एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मूविंग, इन लोकोमोशन, चलने में जो हम बोलते हैं, तो चलने में ये हेल्प करती है। अब प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट और दूसरी चीज आती है इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। बेसिस क्या होता है इसको डिफ्रेंशिएट करने का, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या क्राइटेरिया है कि हम एक को बोलते हैं कि ये प्राइमरी होस्ट है और दूसरे को बोलते हैं ये इंटरमीडिएट होस्ट है या सेकेंडरी होस्ट है। तो कई सारी थ्योरीज दी गई है, मतलब पहले ये बोला गया कि जिसके अंदर डिजीज़ कॉज करता है उसको प्राइमरी होस्ट मानेंगे, और जिसके अंदर ज़्यादा टाइम उसका लाइफ साइकिल चलता है उसको प्राइमरी होस्ट मानेंगे, या फिर जिसके अंदर उसका एडल्ट कंडीशन रहता है उसको प्राइमरी होस्ट मानेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर उसका कोई सेक्सुअल स्टेज है, तो सेक्सुअल स्टेज जहाँ पे पाया जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जहाँ पे करेगा, तो उस होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट मानते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिसके आधार पे हम कहते हैं कि ये प्राइमरी होस्ट है, वो ये होता है कि उस पैरासाइट का जो रिलेशन होस्ट के साथ है, तो वो पैरासाइट अपना मेन रिप्रोडक्टिव स्टेज और सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्टेज किस होस्ट के अंदर, उसकी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्टेज प्रेजेंट होती है, हाउ एंड वेयर इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, सो ऑन दिस बेसिस वी कॉल दैट दिस इज ए प्राइमरी होस्ट। तो यहाँ पे जो प्राइमरी होस्ट है वो शीप है, ठीक है। अब आपका काम है कि शीप का जीनस
और स्पीशीज जरा सा ढूंढिएगा, क्योंकि छोटे छोटे इस तरह के होमवर्क्स अगर आप करोगे तो उसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ाई करोगे। अदरवाइज सारा मटेरियल मैं दूंगी, सारी चीज़ मैं बताऊंगी, तो कोई कभी बुक खोलेगा नहीं, ठीक है। तो कभी डायरेक्ट शिप रहेगा तो आप शिप लिखोगे, और अगर उसका साइंटिफिक नेम दे दिया तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए MCQ सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, तो आप इसको थोड़ा सा सर्च करिएगा। अब शीप इसका प्राइमरी होस्ट है, तो शीप के अंदर ये कहाँ पाया जा रहा है? तो बेसिकली शीप के लीवर में पाया जाता है, और इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक। इसका कॉमन नाम क्या है फैसियोला का? लीवर फ्लूक। तो ये लीवर में पाया जा सकता है या उसके बाइल में पाया जा सकता है, बाइल डक्ट में पाया जा सकता है। अब इसकी संख्या कितनी हो सकती है एक बार किसी प्राइमरी होस्ट में? तो 200 से भी ज़्यादा पैरासाइट एक बार में पाई गई हैं इसके लीवर और बाइल डक्ट को अगर एनालाइज किया गया है। तो इसकी संख्या आप देखो कि 200 से भी ज़्यादा ये एट ए टाइम मिल सकती हैं। इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट वो है जिसके पास इसका कोई लार्वल स्टेज जाए और एक लार्वा से दूसरे लार्वा में कन्वर्ट हो, या फिर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, तो उसे इंटरमीडिएट होस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है स्नेल। ये जो स्नेल है ये एक गैस्ट्रोपोड है, ठीक है, गैस्ट्रोपोड। आप घोंघा जानते होंगे, कॉमन नेम घोंघा, मॉलस्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जीनस है जिसके अंदर ये पाई जाती है वो है लिमनिया। सभी के अंदर नहीं पाई जाएगी, कुछ स्पेसिफिक होगा जहाँ पे इसे उसके हिसाब से कंडीशंस मिलेंगे वहीं पे ये पाई जाएगी। तो लिमनिया के अंदर या प्लेनॉर्बिस के अंदर ये रह सकती हैं। और भी कुछ स्पीशीज हैं तो आप उसको भी थोड़ा सा देखिएगा कि लिमनिया और प्लेनॉर्बिस के अलावा फैसियोला हेपैटिका किन इंटरमीडिएट होस्ट में पाई जाती है, ठीक है। इसके और कौन कौन से इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं बिसाइड्स लिमनिया और प्लेनॉर्बिस? व्हाट आर दी अदर इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फैसियोला हेपैटिका, ठीक है। नाउ समबडी हैज आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्टिकुला, ठीक है। किसी ने पूछा है कि मैम डाइवर्टिकुला क्या है? डाइवर्टिकुला कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर वो पूरी तरह से पैक्ड है, जैसे कि एक बैग है, ठीक है। तो बैग क्या है? पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप का है, दैट मीन्स इट इज नॉट हैविंग डाइवर्टिकुला। लेकिन डाइवर्टिकुला कब होगा कि उसी बैग में अगर इस तरह का जिग जैग पाथ ले लिया, ठीक है। तो ये जो इस तरह का पाथ हो जाएगा जिग जैग पाथ, दैट इज एक्चुअली डाइवर्टिकुला। तो एक बार के लिए मैं देख रही हूँ, व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस थे, और भी मैं देख लूँ अगर किसी ने कुछ पूछा हो, और अगर किसी को अब तक में कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे एक बार जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस लिख दो, तो फिर मैं उनको आंसर कर लूँगी और धीरे धीरे मैं आगे भी बढ़ रही हूँ, ओके। तो मैं अभी ये कह रही थी कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या है। इंटरमीडिएट होस्ट इज स्नेल एंड इट इज ए गैस्ट्रोपॉड, मॉलस्क। एग्जाम्पल क्या है? लिमनिया या प्लेनॉर्बिस। मैंने आपको यहाँ भी एक होमवर्क दिया कि इसके अलावा और भी इंटरमीडिएट होस्ट हो सकती हैं, सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट अदर इंटरमीडिएट होस्ट्स आर। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है इसमें स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब यहाँ पे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप्ड होंगी, तो वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसाइकल, साइरस सैक, इजैक्यूलेटरी डक्ट, साइरस एंड जेनाइटल एट्रियम और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आप इस डायग्राम को देखो,
ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स को शो कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज द जेनाइटल एट्रियम, द जेनाइटल एट्रियम और द जेनाइटल पोर। आपसे पूछा जा सकता है कि जेनाइटल एट्रियम फेसियोला का एंटीरियरली प्लेस्ड है कि पोस्टीरियरली प्लेस्ड है कि लैटरली प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंटीरियरली ही प्लेस्ड है, लैटरली भी नहीं है, ये मिड वेंट्रली और एंटीरियरली प्लेस्ड है। और इसी जेनाइटल एट्रियम में मेल जेनाइटल एपर्चर भी है और फीमेल जेनाइटल पोर भी है। अब दिस इज द साइरस, देन देर आर यूनिसेल्युलर प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ दिस इज द साइरस सैक, तो साइरस सैक जो है उसके अंदर ये साइरस पाई जाती है एंड दिस इज यूज्ड फॉर कॉपुलेशन। देन द सेमाइनल वेसाइकल फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। नाउ द स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, ये जो स्पर्म डक्ट है ये स्पर्म कैरी करेगा, ओके। सो इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, दो इस तरह के इसके ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको जो चीजें दिखेंगी वो है ये मच ब्रांच्ड स्ट्रक्चर विच इज द ओवरी, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर विच इज द ओवरी। ओवरी लीड्स इनटू द ओविडक्ट। अब ओविडक्ट क्या है, एक तरह का ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब, क्योंकि छोटे से ऑर्गेनिज्म में उसको रहना, सो इट इज हाईली कॉइल्ड। ये ओविडक्ट जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो यहां पे एक आप देखोगे मेलीज ग्लैंड, ओके, मेलीज ग्लैंड एंड लॉरर्स कैनाल, मेलीज ग्लैंड एंड लॉरर्स कैनाल। देन द मीडियन वाइटिलाइन डक्ट, सो ओविडक्ट इज मूविंग फर्दर एंड देर इज ए मीडियन वाइटिलाइन डक्ट। ये मीडियन वाइटिलाइन डक्ट एक तरफ से इधर से आके ओविडक्ट में मिल रही है, ठीक है, और मेन ओविडक्ट इस तरह से कॉइल्ड ट्यूब्यूल आगे की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आगे की तरफ ये जो बढ़ता जा रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली यूट्रस, इट इज एक्चुअली यूट्रस, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बताऊं क्या क्या स्ट्रक्चर है, ओवरी जो कि हाईली ब्रांच्ड यहां पे दिख रहा है और उसमें आपको एग्स भी दिख रहे होंगे, ओके। सो हाईली ब्रांच्ड ओवरी है और इसके बाद फिर ओविडक्ट है। ओविडक्ट में एक तरफ से मीडियन वाइटिलाइन डक्ट आके मिल रही है। इस मीडियन वाइटिलाइन डक्ट के द्वारा क्या लाया जाता है, तो यहां आप देखो वाइटिलाइन डक्ट है और योक रिजर्वायर है, ठीक है। तो यहां पे योक होती है और ये योक सेल्स जो है बनाती है, योक सेल्स बनाती है। तो जब एग बनता है तो यहीं पे आके इस ओविडक्ट में योक सेल्स उस एग को कवर अप कर लेती है, प्रोटेक्शन के लिए भी और उसको फूड भी उससे मिलता है। तो यहाँ पे एग जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे कवर अप हो जाता है, बाय योक सेल्स, और उसके बाद ही ये आगे की तरफ पास करेगा। तो धीरे धीरे ये जो कॉइल्ड ट्यूब है ये फिर बल्ज हो जाता है एंड इट टेक्स द शेप ऑफ यूट्रस, सो इट टेक्स द शेप ऑफ यूट्रस,
uterus here you can see it is filled with eggs. And then it goes to the exterior through the female genital pore. It goes to the exterior through the female genital pore. अब यहाँ ये पूरा फेसियोला है, आपको सारी स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे दिख रही हैं. तो अब आप प्लेसमेंट देख सकते हो इसमें कि टेस्टिस किधर प्लेस्ड है और ओवरी किधर प्लेस्ड है. तो दोनों के प्लेसमेंट में डिफरेंस है. अब देखिए ये टेस्टिस पूरा इस तरह से बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे प्लेस्ड है. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि फेसियोला में टेस्टिस की पोजीशनिंग कैसी है, कहाँ है, और ओवरी की पोजीशनिंग कैसी है, कहाँ है, यूट्रस कहाँ पे प्लेस्ड है. अगर आप डायग्रामेटिकली इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी और इजीली आप उन चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे और याद रख पाओगे. ओके, तो यहाँ पे अब ये चीज़ें क्लियर हुई कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और फीमेल में क्या क्या है. ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वाइटलाइन ग्लैंड एंड मेलीज ग्लैंड. वाइटलाइन ग्लैंड का मेन काम है योग सिक्रीट करना और मेलीज ग्लैंड असिस्ट तो करता है बट एक्चुअल जो उसका रोल है वो बहुत अच्छे से मालूम नहीं है. अब नेक्स्ट चीज है कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, कहाँ चलती है और क्या चीजें हैं जो लाइफ साइकिल में इम्पॉर्टेंट है. तो पहली चीज तो है कि कॉपुलेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना है, एग लेइंग होनी है. तो फर्टिलाइजेशन जो है वो यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? तो बाइल डक्ट जो होस्ट का है वहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. होस्ट का बाइल डक्ट मतलब कि होस्ट यहाँ क्या है? शीप. और शीप के बाइल डक्ट के अंदर ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स बहुत सारी हैं वहाँ फेसियोला तो देयर कैन बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन. कभी कभी बाय चांस सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, बट रूल यही है कि ज़्यादातर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है. बट बाय चांस एट टाइम्स देयर मे बी सेल्फ फर्टिलाइजेशन आल्सो. अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जब एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ डिसेंड करेगा. दैट मीन्स कि ओविडक्ट में आएगा. ओविडक्ट में आएगा तो इधर से वाइटलाइन जो ग्लैंड है वो योग फिल्ड सेल्स सिक्रीट करेगी, वो उसको कवर अप करता जाता है. तो इस तरह से क्या हुआ कि जाइगोट जैसे ही बना वो योग सेल से कवर अप होने लगता है. अब इस योग सेल में आखिर क्या प्रेजेंट है, दैट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एमसीक्यू कि होस्ट सेल सॉरी योग सेल में क्या प्रेजेंट है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसे फूड प्रोवाइड करना है, तो फूड प्रेजेंट होगा. इसके अलावा पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो पिगमेंट है वो एग को पिगमेंट प्रदान कर सकती है, एग को थोड़ा सा कलर प्रदान कर सकती है. इसके अलावा इसमें फिनॉल भी पाया गया है. तो योग सेल जो है उसमें पिगमेंट है, फिनॉल है, लेकिन बेसिक जो चीज है वो है फूड. अब जब ये योग सेल से पूरी तरह कवर्ड हो जाता है और फर्दर नीचे की तरफ डिसेंड करता है, दैट मीन्स अब पहले नीचे और बाद में ऊपर जाएगा यूट्रस की तरफ, तो ये धीरे धीरे कैप्सूल के द्वारा सराउंड हो जाता है. अब इसकी जो साइज है आफ्टर बीइंग सराउंडेड बाय कैप्सूल, इसकी साइज चेंज हो जाती है. तो ये बड़ा हो जाता है, 150 × 90 माइक्रॉन साइज का हो जाता है. तो इसके जो डायमेंशंस हैं, लेंथ हो जाएगा 150 माइक्रॉन और जो विड्थ है वो 90 माइक्रॉन्स तक का हो जाएगा. अब टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल जो कि एक फेसियोला के यूट्रस में पाई जा सकती है वो है 3000 एट ए टाइम. यू कैन जस्ट इमेजिन दैट 3000 सच कैप्सूल्स मे बी फाउंड इन द यूट्रस. 200 फ्लूक एक शीप में 50,000 5 लाख. ओके, तो 200 जो फ्लूक अगर एक टाइम में प्रेजेंट है तो वो 5 लाख कैप्सूल
बना सकती है 10 साल तक में। तो आप सिंपली सोच सकते हो कि इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो रिप्रोडक्टिव रेट कितना हाई है, कितना ज्यादा हाई है। ओके, नाउ समबडी हैज आस्क्ड कि क्या ह्यूमन में ये इन्फेक्शन कॉज करता है, और अगर कॉज करता है तो उसे क्या मानेंगे, प्राइमरी होस्ट मानेंगे या उसको इंटरमीडिएट होस्ट मानेंगे। तो देखो, इंटरमीडिएट होस्ट तो स्नेल ही है, ठीक है, जो इसका वर्टिब्रेट होस्ट है वही इसका प्राइमरी होस्ट है। तो समटाइम्स इट रीचेस द ह्यूमन ऑल्सो, एक्सीडेंटली ये ह्यूमन के बॉडी में भी पहुंच सकता है और वहां पे भी ये डिजीज कॉज करता है। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी होस्ट ओनली, नेवर कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी होस्ट। समटाइम्स फॉर सम, मतलब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब एक जनरलाइज बात कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ साइकिल चल रही है, एक प्राइमरी होस्ट है और एक सेकेंडरी होस्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंटली ये दूसरे वर्टिब्रेट्स में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट हैं कि दूसरे वर्टिब्रेट में चले जाते हैं और वहाँ पे वो उनका रिजर्वॉयर होस्ट हो जाता है। जैसे कैटल्स अक्सर करके रिजर्वॉयर होस्ट होते हैं, तो वहाँ इन ये डोरमेंट स्टेज में, डोरमेंट कंडीशन में पड़ी रहती हैं और उसके बाद फिर वहाँ से भी उनके फीसेस से बाहर आ सकती हैं। और अगर उस टाइम ये अपने वैसे होस्ट को पा ली जिनके अंदर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, तो उसके अंदर जब एंटर करती है तो फिर से इनका लाइफ साइकिल चलने लगता है। तो कभी कभी कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कुछ पैरासाइट के लिए इंटरमीडिएट होस्ट नहीं, रिजर्वॉयर होस्ट होते हैं। ओके, और यूजुअली जहाँ पे ये अपना लाइफ साइकिल चला रहा है तो वो उसका प्राइमरी होस्ट ही होगा। और ह्यूमन में ये बेसिकली डिजीज कॉज करता है, एक्सीडेंटली ये जाता है ह्यूमन बींग्स में, बट बेसिक जो है इसका जो मेन होस्ट है वो है शीप। ओके, शीप के अलावा गोट भी हो सकता है, और इस तरह के जो अदर एनिमल्स होते हैं जो ग्रेज करते हैं, ग्रास खाते हैं, लीव खाते हैं, जो वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं, तो वो अगर वहाँ से मेटासर्केरिया लार्वा ले लेंगे तो उसके अंदर ये चला जाएगा और वहाँ पे जाके इस ये जो सिस्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी जब हम लाइफ साइकिल बताएंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो इस तरह से अभी पहले हम लोग जब लाइफ साइकिल देखेंगे तो हम फिर से उन पॉइंट्स पे आएंगे। तो अभी मैं नंबर की बात कर रही थी कि 3000 कैप्सूल यूट्रस में हो सकता है और 200 फ्लूक एक शीप में 10 साल में 5 लाख ऐसा कैप्सूल बना सकता है। तो आप इसका रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन का रेट को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह से इसकी संख्या बढ़ती है। और अगर एक शीप इन्फेक्ट हो गया तो पूरा का पूरा जो शीप का हर्ड है वो धीरे धीरे इन्फेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इट विल बी अ ग्रेट इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि जब शीप का लीवर रॉट डिजीज होगा तो उससे होने वाली जो आपकी वुल जो हमें मिलती है उसकी क्वालिटी घट जाएगी, शीप का ग्रोथ नहीं होगा, शीप का अच्छे से वुल नहीं प्रिपेयर होगा, वुल की जो स्ट्रेंथ है, जो टेंजिसिटी है वो घट जाएगी, तो पुअर ईल्ड होगा। सो दैट इज अ ग्रेट इकोनॉमिक लॉस। दिस इज द रीजन व्हाई दिस लीवर फ्लूक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये कैप्सूल बन गया तो कैप्सूल के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है, तो क्लीवेज होगा, क्लीवेज मतलब डिविजन्स होती हैं। तो आगे थोड़ा सा जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपली जानो कि अगर ये एक एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, तो इस तरह से क्लीवेज डिविजन होती है, ठीक है। तो पहला वाला अगर ऐसे होगा तो दूसरा उसके राइट एंगल पे हो सकता है या उसके लैटरली हो सकता है। तो इन सभी का अलग अलग नाम है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन या लैटिट्यूडिनल डिवीजन या मेरिडियोनल डिवीजन। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे बाद में। क्लीवेज होलोब्लास्टिक है, ये यहाँ पे बता दें। होलोब्लास्टिक का मतलब है कि पूरा का पूरा एग का डिवीजन होता है। जब डिवीजन क्लीवेज का होगा तो वो ऊपर से लेके नीचे तक एग को कट करेगा, लेकिन अनइक्वल। अनइक्वल क्यों है? क्योंकि जो एग के अंदर साइटोप्लाज्म है
उसकी अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें तो वो डिफरेंशियल है, हर जगह एक जैसा नहीं है, नीचे की तरफ थोड़ा सा डेंस है और ऊपर की तरफ कम डेंस है। तो इसलिए एक तो ये चीज़ है, और दूसरा क्या है कि जब पहला क्लीवेज हुआ ये पूरी तरह काटा, होलोब्लास्टिक मतलब पूरा कटना, अब जब भी इधर से डिवीजन हो रहा है, दैट मीन्स कि लैटिट्यूडिनल डिवीजन जब हो रहा है तो वो उसको 0 डिग्री पे कट नहीं कर रहा है। जैसे इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, अगर 0 डिग्री पे यहाँ पे कट होता तो ऊपर की टीयर और नीचे की टीयर जो है वो बराबर रहती। तो यहाँ क्या है कि 0 डिग्री पे कट नहीं हो रहा, ये 0 डिग्री से ऊपर कट हो रहा है। ऊपर कट होने की वजह से क्या है कि ऊपर की जो टीयर है सेल्स की, ब्लास्टोमेयर्स जो बन रहे हैं वो छोटे होते हैं, और जो नीचे के ब्लास्टोमेयर्स हैं वो बड़े हो गए। अब ये फर्दर जो डिविजन्स होंगे ये अनइक्वल ही होते जाएंगे, कि ऊपर का जो टीयर है वो छोटे छोटे ब्लास्टोमेयर से भर जाएगा और नीचे का जो टीयर है वो थोड़े बड़े बड़े ब्लास्टोमेयर से भरा रहेगा। सो दिस इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, दो वर्ड है यहाँ, दोनों वर्ड का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। होलो मीन्स होल, पूरी तरह से कट कर रहा है, जो भी क्लीवेज डिविजन है वो पूरा कट कर रहा है। लेकिन अनइक्वल क्यों हो जा रहा है? अनइक्वल इसलिए हो रहा है कि जब लैटिट्यूडिनल डिवीजन हो रही है तो पहला डिवीजन इट इज़ नॉट एट 0 डिग्री। अगर वो 0 डिग्री पे होता तो पूरे उस स्फेयर को दो इक्वल पार्ट में बांटता और तब सारे सेल्स जो हैं वो इक्वल होते। तो ये जो 0 डिग्री पे नहीं हुआ, उससे थोड़ा ऊपर हुआ, उसकी वजह से ऊपर के जो ब्लास्टोमेज हैं वो छोटे बन गए, नीचे के जो ब्लास्टोमेज हैं वो बड़े हो गए। सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। अब जो एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो है वो फीसेस के साथ, जब शीप एक्सक्रीट कर रही है तो कहीं ना कहीं लैंड पे, तो वहाँ फीसेस के साथ ये एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो बाहर आ जाता है। अब ये एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो बाहर आया, अगर बहुत ड्राई कंडीशन में आ गया तो वो बहुत, उसकी सर्वाइवल वैल्यू फिर नहीं रहेगी, तो इट मे डाई, क्योंकि जो योग सेल्स हैं वो उसको सराउंड कर रही हैं, कैप्सूल उसको सराउंड कर रहा है, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है, उसकी एक थर्मल कैपेसिटी है, तो अगर उससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वो डेसिकेट हो जाएगा एंड इट विल डाई। सो व्हाट इट रिक्वायर्स इज एन ऑप्टिमल कंडीशन। उसको क्या चाहिए? एक ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो फर्दर डेवलपमेंट तभी होगा जब 22 to 25 degrees Celsius टेम्परेचर रहेगा और 60% मॉइस्चर। तो जहां पे इनको 60% मॉइस्चर मिलेगा और 20 to 25 degrees Celsius टेम्परेचर मिलेगा, पानी वहां पे होना चाहिए। 60% मॉइस्चर मतलब कि पानी होना चाहिए तभी ये हैच करेगा। और अगर हैचिंग के बाद इसको स्नेल नहीं मिला तो ये डाई हो जाएगा, मतलब इसकी डेथ हो जाएगी। कितने देर में? 24 घंटे में। तो जब तक ये कैप्सूल के अंदर है तब तक तो इसकी सर्वाइवल वैल्यू फिर भी है, लेकिन आफ्टर हैचिंग इट विल डाई ओनली इन 24 आवर्स। तो यहाँ इतने सारे कंडीशंस हैं कि इंटरमीडिएट होस्ट का वहाँ पे होना, ऑप्टिमम कंडीशन का होना जिसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी ये हैच करेगा। और हैचिंग के इमिडिएटली बाद अगर वहाँ पे गैस्ट्रोपोड लिमनिया नहीं प्रेजेंट होगा तो ये वहाँ पे डाई आउट कर जाएगा। अभी हम डायग्राम्स भी दिखाएंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। और यहाँ मैंने लिखा है कि किस सीरियल क्रम में ये लार्वी जो है बनती है और डिजीज़ इसका होता है। हम लोग इसको डायग्राम से देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको बताने में भी। तो यहाँ पे आप देखो ये शीप है, ठीक है। अब शीप के अंदर क्या है? एडल्ट लीवर फ्लूक, ठीक है। शीप के अंदर एडल्ट लीवर फ्लूक प्रेजेंट है, इसको यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। एडल्ट लीवर फ्लूक इज प्रेजेंट इनसाइड द शीप। शीप के फीसेस से क्या निकल के आ रहा है? द एग, ओके। सो द फीकल पैलेट कंटेन्स एग। यहाँ पानी दिखाया गया है, ठीक है। पानी क्यों दिखाया गया? क्योंकि इसको गैस्ट्रोपोड चाहिए जो कि पानी में ही मिलेगा या वैसे खेत में मिलेगा जहां पानी हो। अब ये जो एग है ये
एग शेल के द्वारा कवर्ड है और इसके अंदर एम्ब्रियो है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। ओके, इट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। अब इस एग के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जो जर्म सेल्स हैं यहाँ पे ब्लास्टोमेस, देखो ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फर्स्ट लार्वा, जिसको कि मीरासीडियम लार्वा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैचिंग कब होगी? जब ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगा, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, तभी ये हैचिंग होगी। और उसके बाद हैचिंग के बाद जो लार्वा निकल के आ रहा है, इट इज मीरासीडियम। अभी हम मीरासीडियम आपको दिखाएंगे, एनलार्ज मीरासीडियम, कि उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अभी पहले हम लोग इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट में देख लें। तो ये मीरासीडियम जो है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है क्योंकि इसके पास सीलिया प्रेजेंट है। अब ये ढूंढेगा स्नेल, गैस्ट्रोपोड। अब स्नेल या गैस्ट्रोपोड के पास पल्मनरी एपर्चर होती है, ठीक है, इसी पल्मनरी एपर्चर से ये एंटर कर जाता है इनटू स्नेल बॉडी। अब स्नेल बॉडी में जब एंटर कर गया, तो वहां पे देखो इसका माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो माइग्रेशन होगा, बॉडी के अंदर जा रहा है और यहीं पे अब इसकी लार्वल लाइफ चल रही है। तो मीरासीडियम लार्वा, उससे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से रीडिया, और रीडिया जो है वो बर्थ देता है सर्केरिया को, ठीक है, रीडिया गिव्स बर्थ टू सर्केरिया, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी या पीडोजेनेसिस। तो इतने सारे स्टेजेस जो हैं, ये किसके अंदर है, स्नेल के अंदर है। तो आप इन स्टेजेस को याद रखिएगा कि स्नेल के अंदर कौन कौन से स्टेज पाई जाती हैं और सर्केरिया को बर्थ कौन सा लार्वा देता है, रीडिया लार्वा सर्केरिया को बर्थ देता है। अब देखो कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। मीरासीडियम फ्री स्विमिंग था, स्पोरोसिस्ट क्या हुआ, सिस्ट से सराउंड हो गया, उसके बाद ये रीडिया में कन्वर्ट हुआ। रीडिया के पास भी कोई इस तरह का बहुत ऐसा ऑर्गन नहीं है कि ये घूम सके। अब इससे जो सर्केरिया निकल रहा है, उसके पास टेल है, और टेल किस चीज के लिए हेल्प करता है, फिर से लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। सो दिस सर्केरिया कम्स आउट फ्रॉम द स्नेल, नाउ दिस इज ए फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। और स्नेल कहाँ रहेगी, पानी में, और वहाँ पे कुछ ग्रासेस होंगी, कुछ पौधे होंगे छोटे छोटे, जो वाटर वाले पौधे हैं, तो उस तरह के ग्रास पे या लीफ पे अब क्या होगा कि ये सर्केरिया धीरे धीरे वहाँ पहुँचेगा, और वहाँ पहुँच के एंसिस्टेड हो जाता है इनटू मेटा सर्केरिया। रीडिया जो है वो थाउजेंड्स ऑफ सर्केरिया को बर्थ देती है। तो हर स्टेज पे आप देखो कि इसकी संख्या किस तरह से बढ़ती है, कितना ज़्यादा ये प्रोपोगेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस करने का कितना इसके पास कैपेसिटी है। अब ये मेटा सर्केरिया ग्रास पे है, तो शीप जो है वो इस ग्रास को खाएगी, तो ये मेटा सर्केरिया इसके अंदर चला जाएगा। अब मेटा सर्केरिया जो है वो हाईली एंसिस्टेड होता है, बहुत उसका थिक सिस्ट होता है, तो जब तक बाहर है तो वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिस्ट है, कवरिंग है जो कि उसको कवर किए हुए है। लेकिन जैसे ही ये शीप ने इसको खाया, इसके स्टमक में ये गया, तो अब क्या होगा, स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है और ये एसिड इसके ऊपर एक्ट करता है, सिस्ट के ऊपर, और ये जो सिस्ट है ये डिसॉल्व हो जाता है। सो वंस द सिस्ट डिसॉल्व्स, द लीवर फ्लूक कम्स आउट, दिस मेटामॉर्फोसिस इनटू अ लीवर फ्लूक, और उसके बाद यहाँ पे ये फ्लूक्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और इसके लीवर में पहुँच के ये रहती हैं, बाइल में रहती हैं, तो इस तरह से लीवर रॉट डिजीज कॉज करती हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला। अब थोड़ा सा हम लोग एक एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि मीरासीडियम में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो आप कि किस तरह से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये फेसियोला हेपेटिका का अर्ली एम्ब्रियो है,
यहाँ पे देखो एक ओपरक्यूलम है, ये ओपन होगा तभी इससे जो लार्वा है मीरासीडियम वो बाहर आएगी। लेकिन कब आएगी? जब डेवलपमेंट उस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ देखो फर्टिलाइज्ड एग है या जाइगोट है, उसके बाद फिर ये प्रोपोगेटरी सेल है, ये योक सेल्स है जो कि इसको सराउंड की हुई है, और ये मेन एग शेल है दैट इज कैप्स्यूल। ओके, सो यू कैन सी हेयर हाउ द एम्ब्रियो इज डिवाइडिंग, तो होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल यहाँ पे क्लीवेज डिविजन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, जैसे जैसे सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल की संख्या बढ़ रही है, आप देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, योक सेल्स खत्म होती जा रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि योक के ऊपर क्या असर हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्लास्टोमेरस बढ़ रहे हैं तो योक की संख्या घट रही है, योक सेल्स जो है वो कम हो रहे हैं। वाई? बिकॉज इट इज यूज इन फीडिंग। धीरे धीरे करके योक सेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि अंदर स्पेस भी बढ़ रहा है, बिकॉज मीरासीडियम लार्वा अब बन रहा है तो उसको स्पेस चाहिए। तो इस तरह से ये एग शेल के अंदर अब आप देख रहे हो पूरी तरह से मीरासीडियम डेवलप हो गया है, एंड ओपरक्यूला ओपन होगा और मीरासीडिया बाहर आ जाएगी। अब ये मीरासीडिया जब बाहर आती है तो देखो ये कैसी दिखती है, मोर और लेस शेप जो है वो लीवर फ्लूक की जैसा ही होता है, लेकिन उससे काफी डिफरेंट है। इसमें देखो सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, एपिकल पैपिला प्रेजेंट है, माउथ नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फिर से मीरासीडिया फूड नहीं लेती, इट इज ए नॉन फीडिंग स्टेज। ट्राई टू रिमेम्बर, मीरासीडिया इज ए नॉन फीडिंग स्टेज, ये फूड नहीं लेगी। एक इसका क्या काम है, केवल स्विम करके थोड़े देर के लिए और होस्ट को ढूंढ लेना, इंटरमीडिएट होस्ट को ढूंढ लेना, नहीं तो ये 24 घंटे बाद क्या होगा, अगर गैस्ट्रोपोड शेल नहीं मिलेगा, उसके अंदर नहीं जाएगी लाइव गैस्ट्रोपोड के अंदर, तो इसकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक रूडिमेंट्री देखो पेयर्ड आई स्पॉट प्रेजेंट है, रूडिमेंट्री ब्रेन प्रेजेंट है, और एपिकल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये एपिकल ग्लैंड क्या करेगा, ये एपिकल ग्लैंड का सिक्रीशन इसको पेनिट्रेशन में मदद करता है। जब ये स्नेल के अंदर पेनिट्रेट करता है तो ये पेनिट्रेशन में मदद करता है। तो इस तरह से एपिकल ग्लैंड एंड एपिकल पैपिला, ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक एंट्री का रास्ता बनाता है। आप देखो यहाँ पे क्या है, पेनिट्रेशन ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो ऑल दीज हेल्प इन पेनिट्रेशन। ब्रेन आप देखो यहाँ रूडिमेंट्री ब्रेन। ओके, देन हेयर यू कैन सी फ्लेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, मसल लेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, एंड देयर आर जर्म सेल्स, जर्म सेल्स प्रेजेंट है। ये जर्म सेल अभी स्टोर्ड रहेंगी और आगे क्या होता है, जब रीडिया बनेगा तो यही जर्म सेल नेक्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा बनाएगी। एक कैरेक्टर इसमें और है जो ऊपरी सतह पे दिखता है, दैट इज द एपिडर्मल प्लेट्स, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द एपिडर्मल प्लेट्स विच आर प्रेजेंट। अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है, किस तरह से फेसियोला बस्की, एक दूसरा एग्जाम्पल है फेसियोला बस्की, ये स्नेल के अंदर देखो कैसे पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्नेल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है उसके एपिडर्मिस से, सो दिस इज हाउ इट इज एंटरिंग। सो कई सारे मीरासीडियम हैं और ये सारे जो हैं अपने पेनिट्रेशन ग्लैंड को यूटिलाइज करते हैं, एपिकल पैपिला को यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो मीरासीडियम लार्वा है, देखो कैसे एपिकल पैपिला का स्ट्रक्चर देखो कैसे चेंज हो रहा है धीरे धीरे, हाउ इट इज इलोंगेटिंग। ठीक है, सो इट इज इलोंगेटिंग, इट इज मेकिंग इट्स वे इनसाइड द एपिथीलियम।
एंड दिस इज हाउ इट हैज एंटर्ड द एपिडर्मिस ऑफ स्नेल. अब ये स्नेल के टिश्यू में चला आता है. अब यहां पे देखो मीरासीडियम के बाद जब ये स्नेल के अंदर मीरासीडियम आ गया सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज स्पोरोसिस. तो इसके पास एक वॉल होगा, सिस्ट लाइक वॉल होगा और ये इसको प्रोटेक्ट करता है. अब सीलिया चला गया, सॉरी दिस इज द एग्जाम्पल. राइट हैंड साइड पे आप देखो स्पोरोसिस्ट लार्वा, ठीक है. सो स्पोरोसिस्ट लार्वा हेयर राइट हैंड साइड. ओके नाउ यू कैन सी हेयर दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो इस तरह से आप देखो कि स्पोरोसिस्ट में क्या क्या है. ओल्डर रीडिया, फ्लेम सेल्स, ओपनिंग ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, यंग रीडिया, जर्म सेल्स, ओल्डेस्ट रीडिया, सब एपिथीलियल, मसल लेयर, क्यूटिकल. तो दिस इज द स्पोरोसिस्ट लार्वा. एंड क्या क्या स्टेजेस थे, तो सबसे पहले मीरासीडिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोसिस्ट. अब ये जो स्पोरोसिस्ट बना ये कवर्ड हो गया बाय सिस्ट वॉल. ओके एंड नाउ द जर्म सेल्स हैव गिवन राइज टू द रीडिया लार्वा. जर्म सेल्स हैव गिवन राइज टू द रीडिया लार्वा. नाउ दीज रीडिया लार्वा विल कम एंड प्ले द नेक्स्ट रोल. अब यहाँ पे आप देखो किस तरह से रीडिया लार्वा के पास अब माउथ डेवलप हुआ है. ये स्नेल के अंदर है, ठीक है. तो माउथ डेवलप हुआ है दैट मीन्स नाउ दे विल फीड ऑल्सो. तो ये स्नेल को भी हार्म पहुंचाता है. कॉलर प्रेजेंट है. ये सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं कि रीडिया के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. माउथ प्रेजेंट है, फेरिंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, कॉलर प्रेजेंट है, ठीक है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बर्थ पोर. ये जो बर्थ पोर है इसी से ये बर्थ देगा इनटू व्हाट सेवरल डॉटर रीडियाज एंड आल्सो सर्केरियाज. ओके तो जर्म सेल अब धीरे धीरे देखो यूटिलाइज हो रही हैं. क्यों? क्योंकि ये डॉटर रीडिया बना रही है. तो रीडिया के अंदर डॉटर रीडिया, स्पोरोसिस्ट के अंदर क्या था, रीडिया था, और रीडिया के अंदर क्या है, डॉटर रीडिया है. अब ये डॉटर रीडिया सारी जो है ये बर्थ पोर से बाहर आ जाएंगी. अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज फिर से देखो कि स्पोरोसिस्ट लार्वा में ही फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडियल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गया है जो कि रीडिया तक प्रेजेंट है. दैट मीन्स दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑल्सो. जब ये रीडिया थोड़ी ओल्ड हो जाती हैं तो अब क्या होगा कि ये जो डॉटर रीडिया है ये डॉटर रीडिया या तो बाहर आके फिर से इंडिपेंडेंट रीडिया में कन्वर्ट होगी, वो अपनी लाइफ चलाएगी, या फिर नेक्स्ट स्टेज दैट इज सर्केरिया लार्वा विल बी फॉर्म्ड. नाउ दिस सर्केरिया लार्वा इट इज हैविंग द टेल. ये सर्केरिया लार्वा के पास टेल है. ये फ्री स्विमिंग हो सकता है. क्यों? क्योंकि टेल विल हेल्प इन लोकोमोशन. अब यहाँ पे देखो तो इसका एलिमेंट्री केनाल अब उस हिसाब से डेवलप हो गया है ऑलमोस्ट जैसा कि एडल्ट में होता है. लेकिन बस यहाँ पे आपको डाइवर्टिकुलाज नहीं दिखेंगे. तो माउथ है, ओरल सकर बन गया, मस्क्यूलर फेरिंग्स बन गया, इसोफेगस बन गया, और ये बाइफिड है ना, गट. बाइफिड मतलब दो इक्वल पार्ट्स हैं इसके, बाइफिड गट. अब ये साइड में आप देखो फ्लेम सेल्स, दोनों साइड से फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी वेसल एंड देन द एक्सक्रीटरी डक्ट. ओके सो दिस ऑल हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑल्सो.
It is almost oval in structure with a tail. Now what it will do? It will come out and it will start searching for a grass और वहाँ जाके चिपक जाता है. चिपकने के बाद फिर क्या होता है कि ये मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाता है. नीचे का आप डायग्राम देखो, मेटासर्केरिया. सो देयर इज़ अ हार्ड सिस्ट वॉल, ये इसको डेसिकेशन से बचाता है. बाकी जो इंटरनल चीज़ें हैं ये अभी इंटैक्ट है, बची हुई हैं. ये दोनों ही चीज़ें, ओरल सकर, वेंट्रल सकर, माउथ, पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल जो बना था वो, और फ्लेम सेल्स, जो प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंटैक्ट हैं. सो इट विल रिमेन एज सच. एंड देन वंस द शीप विल ईट इट, तो क्या होगा कि इट विल कम इनसाइड द स्टमक और वहाँ पे जो एसिड सिक्रीट होगा उससे ये सिस्ट वॉल डिजॉल्व हो जाएगा और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द फेसियोला. So if there is any question related to fasciola hepatica, you can ask. Liver rot disease होती है, liver पूरी तरह से damage हो जाता है, sheep का जो growth है वो नहीं हो पाता. Okay? क्योंकि मेरे ख्याल से अब time is getting over, तो tinea फिर मैं next class में आपको बताऊँगी. So once again, this is the life cycle. You can see sheep है और इसमें ये किस तरह से finally adult fluke grows. So if there is any question, please ask on WhatsApp. Is there any question? Okay, so there is no question. So what should I feel? Everything is clear? Everything is clear to you all? Is it all clear to you? Okay, so I am checking in the YouTube. There are so many comments. Let me answer if there is any. You can write in the YouTube also. So somebody has asked which kind of acid. Gastric जो juices होता है उसमें क्या होता है? HCl होता है, ठीक है. जो acid secrete होती है वो stomach में, उसमें HCl होता है. महिमा has asked कौन सा acid. Basically it is HCl. So any more question? If there is any more question, please write on YouTube. Okay, Sachin, thanks लिखा है. गरिमा ने thanks लिखा है. अक्षय प्रजापति ने thanks लिखा है. अतीक अहमद, ये आपस में चैट कर रहे हैं. हेलो बलवंत ब्रदर. महिमा ने लिखा है नेम बताइए मैम प्लीज. किसका नेम पूछ रहे हो? मेरा नाम, माय नेम इज तुमुल सिंह. ओके, माय नेम इज डॉक्टर तुमुल सिंह.
So I am seeing that there is no such question except for good evening and hi, hello. So still if you want to ask, you have few minutes time. 5 minutes मैं दे रही हूँ अगर किसी को कोई question पूछना है. Okay, any more question? No question. So who has written poetry device? Poetry device कौन है भाई? हाँ, किसका नाम poetry लिखे हो? अपना कैसे समझेंगे हु इज इट. तो प्लीज राइट योर नेम्स, अदरवाइज यू नो वील हैव अ गुड रिलेशनशिप. अभी तो क्या है कि इट्स जस्ट अ बिगनिंग ऑफ द क्लास, यू ऑल आर नॉट नोइंग मी, आई एम नॉट नोइंग यू ऑल. अभी कितना 3-4 क्लासेस हुई थी ऑफलाइन एंड ऑल ड्यू टू कोरोना. आई एम ऑल्सो लाइक वी आर थिंकिंग कि कितना अच्छा ये एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, बट ड्यू टू कोरोना ये सारी डिफिकल्टीज आ गई है. बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस. और आप देख रहे हो कि कितने सारे टीचर्स कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो कुछ आपके क्लासेस में भी प्रॉब्लम हो रही है. बट स्टिल वी आर ट्राइंग. आई एम ट्राइंग टू अरेंज ऑल द बॉटनी क्लासेस ऑल्सो, ताकि आपके क्लासेस खाली नहीं जाएँ. चलो जूलॉजी ही जल्दी ख़त्म हो जाए. तो आपको भी कोऑपरेट करना है, आपको चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को स्टडी करना है. अगर हम आपका नाम नहीं जान पाएंगे, आपको नहीं जान पाएंगे, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो. सो आप लोगों को भी मेहनत करना है, तभी कुछ हो पाएगा. एंड इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. ओके, अक्षय कुमार प्रजापति हैज रिटन, व्हेन सर्केरिया लार्वा गेट डाइजेस्टेड इन स्टमक ऑफ गोट देन हाउ कुड सर्वाइव्ड लार्वा. देखो सर्केरिया लार्वा तो लीफ पे रहता है, स्विम करके टेल है उसके पास, तो वो स्विम करके कहाँ जा रहा है? लीफ पे. और लीफ पे सिस्ट बना ले रहा है, तो सर्केरिया हैज चेंज इनटू मेटा सर्केरिया. अब बाहर वो रहेगा तो मेटा सर्केरिया के फॉर्म में रहेगा, वो सर्वाइव करेगा क्योंकि सिस्ट वॉल जो है वो कवरिंग उसको प्रोटेक्ट करती है. जब स्टमक में जाता है तो सिस्ट वॉल डिसॉल्व करता है, लेकिन अब जो फ्लूक निकल के आता है वो फ्लूक कवर्ड होता है, जो हम आपको ऑलरेडी बताए कि उसका किस तरह का एपिडर्मिस होता है और वो कवर्ड रहता है. तो अब क्या है कि उस पर फिर एसिड क्यों नहीं काम करती है, वो मूव कर जाता है इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में जैसे ही मूव करता है तो इंटेस्टाइन का पीएच क्या है? इट इज एल्केलाइन. वो लीवर में एंटर कर चुका होता है तो लीवर में वो सर्वाइव कर जाता है. अगर ये वापस स्टमक में आएगा तब इसके ऊपर इस तरह से फिर स्टमक की एसिड्स वर्क करेगी. तो इट हैज रीच द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में बाइल है. इट इज नॉट एसिडिक, इट इज एल्कलाइन इन पीएच. तो दोनों ही चीजें हैं कि उसका जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट हैज चेंज्ड एंड इट हैज रीच द लीवर, सो इट सर्वाइव्स. ओके, somebody has asked कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लीवर फ्लूक का है उसको आप फिर से एक्सप्लेन करिए. ठीक है, मैं कर दूंगी. एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सिस्ट गेट्स डीकम्पोज्ड एंड फ्लूक कम्स आउट. यस, सिस्ट जब मेटासर्केरिया का सिस्ट है वो डिसॉल्व कर रहा है, तो अब वो क्या है, मेटामॉर्फोज हो गया इनटू लीवर फ्लूक, एडल्ट फ्लूक जो कि उसके लीवर में रह रहा है, उसके इंटेस्टाइन की तरफ है, बाइल में है, लीवर में है. वहाँ की कंडीशंस दूसरी है, वहाँ एसिडिटी नहीं है, सो इट सर्वाइव्स. अब किसी ने बोला है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लीवर फ्लूक का है उसको फिर से एक्सप्लेन करिए.
डायग्राम मैंने दिखाया था, अगर स्क्रीनशॉट तुम लिए हो तो उसको तुम देख सकती हो, ठीक है, या मैं फिर से शेयर कर दूं। ओके, सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम वंस अगेन ऑफ लीवर फ्लूक। आप ये देख रहे हो, ये पूरा लीवर फ्लूक है और इसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स प्रेजेंट है। तो एक टर्म आता है बॉटनी में, आप पढ़े होंगे कि प्रोटोएंड्री या गाइनएंड्री, इस तरह के केसेस होते हैं जिससे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके, एक चीज़ पहले डेवलप हो रही है, एक चीज़ बाद में डेवलप हो रही है। यहाँ पे क्या है कि पोजीशनिंग कुछ इस तरह से है, टेस्टिस कहाँ पे है और ओवरी कहाँ पे है, एक तो ये है, और यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में है वो वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसाइकल, सीरस सैक, इजैक्युलेटरी डक्ट, साइरस, जेनाइटल एट्रियम और प्रोस्टेट ग्लैंड का बना होता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दें तो आपको ये क्लियर होगा। ओके, अब आप इसको देखो, एक तरफ से स्टार्ट करें, दिस इज द ओवरी, ठीक है, ओवरी यू ऑल नो इट विल प्रोड्यूस ओवा। ओवा धीरे धीरे ओविडक्ट की तरफ डिसेंड कर रही है, तो यहां पे ओवरी के बाद देखो ओवा ओविडक्ट में आएगी, सो दिस इज द ओविडक्ट। नाउ इस पर्टिकुलर जंक्शन पे ओविडक्ट में एक डक्ट और आके मिलती है, एंड दिस इज द मीडियन वाइटलाइन डक्ट। ये कहाँ से आ रही है? ये योक रिजर्वॉयर है, ट्रांसवर्स वाइटलाइन डक्ट है दोनों तरफ से, और यहाँ पे योक रिजर्वॉयर है, तो इसमें वाइटलाइन डक्ट में क्या होता है, वाइटलाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तो वाइटलाइन ग्लैंड जो होती है उससे वाइटलाइन फ्लूइड सीक्रेट होता है, योक सीक्रेट होता है, एंड दिस योक्स कम एंड मीट्स एट दिस जंक्चर। तो ये ओविडक्ट पे इस जंक्चर पे आके मिलती है जहां एग को ये योक सेल से कवर्ड कर देगी। अब ये एग जो यहां डिसेंड कर रहा है, ये योक सेल से कवर्ड हो गया, अब धीरे धीरे ये ओविडक्ट में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आप वो टर्न देखो जिसमें ज्यादा लूप्स बनी हुई है। ओके, सो दिस इज द मेन डक्ट, ओविडक्ट का ये आगे का हिस्सा है। अब इसका जो एंड है वो काफी स्वोलन है, सेक्युलर स्ट्रक्चर, सो दिस इज द यूट्रस। नाउ दिस इज फिल्ड विथ एग, ये एनकैप्सुलेटेड एग है। ओके, कैप्सूल प्रेजेंट है इस पे। ये कैप्सूल कहां से आ रहा है? वाइटलाइन ग्लैंड और मेहलीज ग्लैंड मिलके इसे कैप्सुलेट करता है, एंड यूट्रस देन ओपन्स इनटू अ फीमेल जेनाइटल पोर। ये जो फीमेल जेनाइटल पोर है ये कहाँ पे है? जेनाइटल एट्रियम के अंदर, यहीं पे मेल जेनाइटल एपर्चर भी ओपन होता है। अब मेल सिस्टम अगर आप देखो तो मेल सिस्टम किस तरह का है? सो लेट अस सी इन दिस डायग्राम। So just see this, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारी आपको डाइवर्टिकुला नजर आ रही है, और ये पूरा मीडियली और पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, दिस इज एक्चुअली द टेस्टिस। तो एंटीरियर पोस्टीरियर टेस्टिस, ओके, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब
टेस्टिस के बाद फिर क्या चीज़ें होंगी? तो वास डिफरेंस, वासा इफरेंशिया, ओके, एंड देन फाइनली द सेमाइनल वेसाइकल। तो यहाँ पे आप देखो इस तरह से यहाँ सेमाइनल वेसाइकल दिख रहा है, लेफ्ट वाले डायग्राम में आप देखिए सेमाइनल वेसाइकल क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी छोटा दिख रहा है राइट वाले डायग्राम में, लेकिन लेफ्ट वाले में ये बड़ा है। तो टेस्टिस आप राइट वाले डायग्राम में देख लो किस तरह से टेस्टिस अरेंज्ड है, एंटीरियर टेस्टिस एंड पोस्टीरियर टेस्टिस, देन द वास डिफरेंस, ओके, वास डिफरेंस इस तरह से एक एंटीरियर टेस्टिस से और एक पोस्टीरियर टेस्टिस से, दोनों से वास डिफरेंस जो है ये जाके मीट कर रहा है कहाँ पे? सेमाइनल वेसाइकल में। तो वास डिफरेंस को सिंपली स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, और ये सेमाइनल वेसाइकल में मीट किया और उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से इजैक्यूलेटरी डक्ट है, एंड देन देयर इज द साइरस। सो दिस साइरस विल कम आउट, इट विल प्रोट्रूड एंड इट विल हेल्प इन कॉपुलेशन। So, any more question? Let me again check. Okay, somebody has asked प्रिवेंटेशन के बारे में बताइए, ठीक है, कि प्रिवेंटेशन नहीं प्रिवेंशन उसको बोला जाएगा, कि कैसे इससे प्रिवेंट करें, हाउ टू प्रिवेंट, ठीक है। शीप को इन्फेक्शन से बचाना होगा, शीप को इन्फेक्शन से बचाना होगा, तो उसके लिए क्या है कि वैसे जगह शीप को फीड ना करने दें जहां पे गैस्ट्रोपोड्स प्रेजेंट है, जहाँ भी गैस्ट्रोपोड प्रेजेंट है, लिमनिया स्पीशीज प्रेजेंट है, वहाँ हम शीप को फीड ना करने दें, क्योंकि वो फीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से उनका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो उसके अंदर चला जाएगा। तो एक ये है, दूसरी चीज़ क्या है कि फीड को जो फीड हम दे रहे हैं शीप को या गोट को भी ये इन्फेक्ट करता है, तो उनको हम साफ़ सुथरा फीड दें, साफ़ सुथरे कंडीशंस में रखें, और अगर वहाँ आसपास पानी है तो पानी में हम उस तरह के केमिकल्स का छिड़काव करें जिससे कि गैस्ट्रोपोड्स वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अदर प्रिवेंटिव मेजर्स भी हो सकते हैं, मेनली वही है कि इंटरमीडिएट होस्ट को उसके आसपास हम नहीं आने दें, स्नेल पॉपुलेशन को चेक करें, स्नेल पॉपुलेशन को किल करें, और जो इन्फेक्टेड शीप है उसके उसको हम कैसे ट्रीट करें, तो उसको यूजुअली क्या करते हैं, ड्राई फूड उसको दिया जाता है और थोड़ा सॉल्ट की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है। तो सॉल्ट और ड्राई फूड अगर आप दोगे तो वैसे केस में क्या होगा कि जो शीप के अंदर उसके लीवर में जो है ऑलरेडी जो फ्लूक्स हैं वो उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि एक तो प्रिवेंशन है, दूसरा है प्रोफाइलैक्सिस है, कि अगर उसको डिजीज़ हो गया तो उसके बाद आपको मेडिसिन देना होगा, रेमेडी आपको ढूंढना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या किया जाता है कि अब मतलब है कि वो भी तो एनिमल है, लिमनिया भी तो एनिमल है, हम उसके पॉपुलेशन को पूरी तरह से मार दें तो वो भी सही नहीं है। तो वैसी चीज़ों को, बायोलॉजिकल वैसे स्पीशीज़ को अगर वहाँ लाएं जो उसको फीड कर ले, उसको खा ले, तो उससे भी तो पॉपुलेशन कम होगा। तो वहाँ पे अगर हम डक भी पालें, जैसे होता है ना कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाती है, क्यों की जाती है, एक का सपोर्ट दूसरे के लिए होता है। तो हम जहाँ शीप का फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ अगर हम डक की भी फार्मिंग करें तो डक क्या करेगा, वो गैस्ट्रोपोड्स को खा लेगा, तो उससे हमारे पास क्या होगा, डक का यील्ड तो बढ़ेगा, डक के पॉपुलेशन के लिए अच्छा होगा, हम डक को भी वहीं पे पाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें मेन मोटो यही होगा कि गैस्ट्रोपोड को उसके आसपास ग्रो ना करने दिया जाए। एनी अदर क्वेश्चन?
ओके सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और आज की क्लास मैं अब एंड करूँगी, और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हो, लेकिन प्लीज़ अननेसेसरी की चैटिंग व्हाट्सएप पे मत करो, बिकॉज हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारे टीचर्स भी हैं ना ग्रुप में, तो जो अननेसेसरी की इश्यूज़ हैं उसको आप लोग वहाँ पे मत डिस्कस करिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट इन द ग्रुप, और इफ़ यू डोंट फील लाइक राइटिंग इन द ग्रुप यू कैन आस्क सेपरेटली. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कोऑपरेटिंग. Really, it's a great platform that we are together here, and we are trying to help you all. कि इस COVID situation में भी आप लोगों के doubts clear हों, आप लोगों को कुछ पढ़ाया जा सके, और आप लोगों के लिए I think this is a good platform. So try to take the benefit. आपको अगर ये platform मिला है तो आप इसका benefit लो, otherwise फिर क्या है. अगर आप लोग benefit नहीं लोगे, आप लोग interest नहीं दिखाओगे, तो हमारे लिए क्या है, मतलब ये हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा, नहीं होगा. तो अगर इस पूरे ग्रुप में से आप लोग जब क्वालिफाई करोगे ना नीट, तो हमें अच्छा लगेगा. सो व्हाट वी नीड इज़ सम गुड रिजल्ट, और गुड रिजल्ट विल कम विथ हार्ड वर्क. ओके सो कीप ऑन स्टडिंग एंड आई विल प्लेस द मटेरियल वंस द टॉपिक इज़ ओवर. अब इसके बाद मैं टीनिया पढ़ाऊँगी नेक्स्ट क्लास में. ओके So thank you students and have a nice time, study well, bye.